मेरा नाम है सिमंत हेमब्रम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। भाई साहब, मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आपको कोई भी जबरदस्ती करा इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी दबाव, नहीं कोई भी माली दबाव, नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं नहीं ना, नहीं कोई प्रेशर नहीं। नहीं आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, अपने हाँ एकदम जहन से, हाँ खुले दिमाग से, क्योंकि हाँ हमारे मजहब में, इस्लाम में, किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है, तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम खुश है क्या? इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे? ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाल्लाह भाई, मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इला इल्लल्लाह इल्ला अल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदम अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। बरसुलु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बंगला में कुरान किताब चाहिए और सर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाल्लाह, बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी बम्बई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेजी चैनल शुरू किया था पीस टीवी, और तकरीबन 3 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 महीने पहले पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस नाचीज को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह सुबहान व ताला को हमारी जरूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है, अल्लाह को हमारी जरूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें जरिया बनाए, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह ही काफे। अल्लाह को पीस टीवी की भी जरूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की जरूरत है। हाजम इन फजल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार है, फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो थोड़ी बहुत जिहाद है, जिहाद, लोग के कान खड़े हो जाते, तो
जो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाल्लाह भाई साहब अब आ सकते हैं स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किलात को हल करे और इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाल्लाह। जी माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहे कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम अलैकुम डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल है।